मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप लोगों की निशा मैम आप लोग के सेकंड ईयर से रिलेटेड 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके सेकंड ईयर एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे, और साथ ही यदि आगे आप लोग किसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब टेक्निकल देते हैं तो उनमें टेक्निकल क्वेश्चन में से इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ हम लोग फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स क्या है, एक्स क्या दिखा रहा है, जो एक्स है ये पार्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ जो ये सेक्शन है वो कम्यूटेटर है। क्या है? कम्यूटेटर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये सेक्शन क्या है, कम्यूटेटर है। क्लियर है? तो और ये कम्यूटेटर से ही जुड़ा हुआ है, ये जो पार्ट एक्स दिखा रहा है वो क्या है, कम्यूटेटर से ही अटैच है। ठीक है, तो हमारे पास कम्यूटेटर को लेकर दो ऑप्शन है, एक कम्यूटेटर रेजर है और एक कम्यूटेटर सेगमेंट है। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स हम लोग क्या कहलाते हैं, वो सेगमेंट कहलाते हैं। क्लियर है? ये जो पार्ट्स है वो सेगमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन कौन सा बचा, वो ऑप्शन बचा है कम्यूटेटर रेजर। ये कम्यूटेटर का उभरा हुआ भाग यानी कम्यूटेटर रेजर है। ये क्या करता है कि यहाँ पे आर्मेचर रहते हैं, आर्मेचर में वाइंडिंग के रहते हैं। ठीक है, ये वाइंडिंग को ये इससे जोड़ते हैं हम लोग, ये जो रेजर पार्ट है इससे हम लोग कम्यूटेटर रेजर है, इससे हम लोग आर्मेचर के वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है? क्लियर है? डीसी जनरेटर का नाम बताना है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर तो दो तीन तरह का होता है, तीन तरह का होता है, एक होता है सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो हम लोग फिगर में देख रहे होंगे, फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो वाइंडिंग है, एक ये वाइंडिंग है, यहाँ पे एक वाइंडिंग दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा वाइंडिंग ये है। क्लियर है? दो वाइंडिंग है, तो दो वाइंडिंग यदि है किसी जनरेटर में तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड तो हमारा चारों ऑप्शन में। क्लियर है? ठीक है, तो ऑप्शन से हम लोग को समझ में नहीं आएगा, ये तो क्लियर है कि कंपाउंड है और कंपाउंड चारों ऑप्शन में है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या है, आर्मेचर है, ये आर्मेचर है। ठीक है, ये क्या है, हम लोग का आर्मेचर है, और आर्मेचर की सीरीज में एक वाइंडिंग है तो सीरीज वाइंडिंग हो गया, और जो आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग इन दोनों के, आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग इन दोनों के पैरेलल में कौन सा वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग। ठीक है, तो जब आर्मेचर और सीरीज दोनों के पैरेलल में यदि हमारा शंट वाइंडिंग रहता है तो उसको हम लोग लॉन्ग कहते हैं, लॉन्ग शंट। क्लियर है? तो लॉन्ग शंट हमारा दो ऑप्शन में, एक लॉन्ग शंट यहाँ है, देखिए एक ऑप्शन नंबर ए में है, और एक हम लोग का लॉन्ग शंट ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा सही। क्लियर है? बच गया दो ऑप्शन, एक ऑप्शन नंबर ए और दूसरा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग यहाँ देखिए करंट का डायरेक्शन देखिएगा। ठीक है, सीरीज और शंट वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन देखिएगा, तो हम लोग सीरीज वाइंडिंग में देखिए, सीरीज वाइंडिंग में क्या है, करंट जा रहा है हमारा राइट से लेफ्ट की ओर है, एरो देखिए। ठीक है, ये एरो कैसा है, राइट से लेफ्ट की ओर है। क्लियर है? और सेंट में जो एरो है वो देखिएगा, वो क्या है, लेफ्ट से राइट की ओर, यानी कि ये दोनों एरो का जो डायरेक्शन है यानी करंट का डायरेक्शन वो क्या है, ऑपोजिट है, विपरीत दिशा में है। तो जब विपरीत दिशा में करंट का डायरेक्शन रहेगा तो वो क्या हो जाता है, डिफरेंशियल, यानी कि अलग अलग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि जनरेटर का जिक्र होगा,
ठीक है, किसका जिक्र होगा? जनरेटर का, तो फ्लेमिंग्स के, फ्लेमिंग्स साइंटिस्ट का नेम है, उनके राइट हैंड का उपयोग करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जनरेटर के केस में हम लोग फ्लेमिंग्स के राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं और मोटर के केस में हम लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, जनरेटर का EMF यदि हम लोग को पता करना है तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तो हम आप लोग जानते ही होंगे, वो क्या होता है, राइट हैंड के तीन फिंगर, थंब, उसके बगल वाला फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, ये हो जाता है थंब, ये हो जाता है फर्स्ट फिंगर और ये हो जाता है मिडिल फिंगर। ठीक है, इन तीनों के बीच में कितना डिग्री का ये रहेगा एंगल बनना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। ठीक है, तो जब 90 डिग्री का बनता है और यहाँ पर राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा हैंड का इस्तेमाल करेंगे? राइट हैंड का, फ्लेमिंग्स राइट हैंड दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है वो ये थंब रहता है, ये थंब क्या बताता है? घूमने की दिशा, मोशन, गति। ये जो रहता है वो बताता है, फर्स्ट फिंगर जो बताता है वो चुंबक के फ्लक्स की दिशा बताता है, जो नॉर्थ से साउथ चलते हैं, और ये जो डायरेक्शन रहता है वो करंट का डायरेक्शन बताता है, यानी कि EMF का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लेमिंग्स के राइट हैंड का इस्तेमाल किया जाता है, किस केस में? जनरेटर के केस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये तो पता है कि जनरेटर हम लोग को करंट देता है, तो करंट से पहले वहाँ पे क्या बनता है? EMF बनेगा, EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो जनरेटर में EMF पैदा होता है, तो EMF के लिए हम लोग ये भी जानते हैं कि EMF पैदा करने के लिए पहले दो चुंबक हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉरी, दो पोल्स होना, मिनिमम दो पोल्स होना चाहिए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, तो सबसे पहले पोल्स का आवश्यकता होता है, तो हम लोग देख लेंगे पोल कौन कौन से ऑप्शन में है। तो P देखिएगा, P इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये आंसर, ये ऑप्शन सही होगा ही नहीं। P इसमें भी है, इस B में भी है और C में भी है, क्लियर है? तो ये तीनों में से ऑप्शन होगा। जब पोल रहता है तो यहाँ से क्या होता है, नॉर्थ से साउथ कुछ लाइंस जाते हैं। ठीक है, लाइंस जाते हैं यानी कि इसको बहुत सारे लाइंस रहते हैं, तो उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए, फ्लक्स इस वाले भी ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन फ्लक्स हमारे P के साथ होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, क्लियर है? अब हमारा बच गया दो ऑप्शन, B और C, दोनों में फ्लक्स क्या है, फ्लक्स जो है वो, सॉरी, ऑप्शन नंबर B भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी पोल के साथ फ्लक्स नहीं है, तो फ्लक्स किसके साथ होना चाहिए? पोल के कारण होना चाहिए, क्योंकि चुंबक के कारण फ्लक्स बनता है। तो यहीं से हमारा ऑप्शन तो मिल गया कि सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C है। तो हो गया P और फाई एक साथ होना चाहिए। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्टर को, ये जो कंडक्टर है यानी कि जो आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं, उसको हम लोग घुमाते हैं। घुमाने के यानी कि स्पीड N है, N को हम लोग डिवाइड करते हैं 60 से सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि ये RPM मिनट में रहता है। ठीक है, तो N बाय 60 भी है इसमें। और ये Z कंडक्टर की संख्या, मतलब एक बार एक टर्न लिया गया है, दो टर्न, वैसे बहुत सारा टर्न रहता है। ठीक है, तो वो Z है कंडक्टर की संख्या, और A जो है वो करंट का रास्ता है। जैसे कि दो DC में दो वाइंडिंग होता है, एक लैप एक वेव वाइंडिंग, तो लैप में हम लोग कितना डायरेक्शन लेते हैं, सॉरी, करंट का दिशा पाथ कितना होता है, लैप में पुल के इक्विवेलेंट होता है, यानी पुल के बराबर होता है, और वेव वाइंडिंग में A का वैल्यू 2 होता है, क्लियर है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। इस प्रकार हम लोग ऑप्शन से भी आंसर खोज सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMF की गणना करने का सूत्र क्या है? ठीक है, ये DC मोटर का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है DC मोटर का, क्लियर है? यहाँ पे DC मोटर है, तो DC मोटर, मोटर को तो सबसे पहले हम लोग सप्लाई देते हैं, यानी कि उसको हम लोग वोल्टेज यानी कि सप्लाई देते हैं। तो V वाले ऑप्शन देखिए, V ऑप्शन चारों में है, क्लियर है? तो उसको हमने सप्लाई वोल्टेज दिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर उसका जो आर्मेचर है उसको करंट मिलता है, ये इसको दिखाया गया RA, क्लियर है, सॉरी IA, IA मतलब आर्मेचर करंट, और ये है RA, RA मतलब आर्मेचर
रेजिस्टेंस। और I into R किसका फॉर्मूला है, I into R वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला है, जो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कर रहा है, आर्मेचर में कर रहा है, ठीक है। तो जो सप्लाई वोल्टेज से हमारा वोल्टेज ड्रॉप को यानी IARA को माइनस कर देते हैं तो वो इक्वल होता है एक बैक EMF के बराबर, जिसको EB से दिखाया गया, ठीक है। तो जनरेटर के केस में क्या होता है, यही बैक EMF बनता है, बैक EMF बनता है। वो बैक EMF क्या होता है कि सप्लाई वोल्टेज से हम लोग माइनस कर देंगे वोल्टेज ड्रॉप को, ये वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हो रहा है, आर्मेचर में, तो मिल जाता है हम लोग को बैक EMF। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ देख रहे होंगे हम लोग, ये एक्स को दिखा रहे हैं, ये क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये एक्स क्या है, ये एक्स जो है वो पोल शू है, जैसे कि हम लोग होल्डर होता है ना, होल्डर के अंदर बल्ब डालते हैं, ठीक। इसी प्रकार जो पोल का ये होल्डर कह सकते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, पोल का होल्डर है, यानी कि पोल को ये पकड़ के रखता है, ठीक है। इसी में हम लोग पोल को लगाते हैं, ये हम लोग क्या है, ये पोल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, पोल का शू होता है, ये क्या करता है, फ्लक्स को एक समान रास्ता देता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया पोल शू, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन सा डीसी जनरेटर का नाम बताना है, क्या करना है, इस डीसी जनरेटर का नाम बताना है। तो यहाँ देखिएगा, ये जो है वो जनरेटर है, ठीक है। ये क्या है, जनरेटर है, ठीक है, ये हम लोग का जनरेटर है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जो फील्ड है, यहाँ देखिए ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये भी जनरेटर का ही पार्ट्स है, ये फील्ड वाइंडिंग है। तो यहाँ जो फील्ड वाइंडिंग है वो अलग से डीसी सोर्स देख अलग से, ठीक है, देखिए अलग से डीसी सोर्स दिया गया है और इससे इसके फील्ड को एक्साइट किया जा रहा है, ठीक है। तो फील्ड का जो एक्साइटेशन होता है वो हो रहा है वो अलग से डीसी सोर्स हम लोग लगा रहे हैं, यानी कि अलग से मतलब सेपरेटली, यहाँ देखिए अलग से। तो अलग से कौन सा किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर, क्योंकि इसके फील्ड को अलग से डीसी सोर्स लगाकर एक्साइट किया जा रहा है। ओके, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो क्वेश्चन इजी है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, बाहर से हम लोग जैसे एक सिंपल सा यदि हम लोग केस लेते हैं तो हम लोग देखे हुए कि जनरेटर के जो हैंडल को वो हाथ से हम लोग घुमाते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग शादी पार्टी के जो जनरेटर देखते होंगे या फिर बहुत सारे जनरेटर में डीजल दे के इस प्रकार से उसको उसके टर्बाइन को रोटेट किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग को, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, डीसी जनरेटर के फील्ड का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी हम लोग दो वाइंडिंग देख रहे हैं, कितने वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है, देखिए एक वाइंडिंग यहाँ पे है, ये पोर्शन देख रहे होंगे, ठीक है, एक वाइंडिंग इस जगह पे है और दूसरा वाइंडिंग कुछ यहाँ पे, ठीक है, दो वाइंडिंग है। तो हम बताए थे, जैसे कि मैंने बताया था कि दो वाइंडिंग रहेगा तो कंपाउंड रहेगा, तो कंपाउंड जनरेटर देखिए चारों ऑप्शन में है, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या है, ये क्या है, देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कौन सा सीरीज का है, कौन सा संट का है, ठीक है। तो और यहाँ देखिए करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट की ओर है, और यहाँ देखिए इस जगह पे देखिए, हाँ इस जगह पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो दोनों में करंट का डायरेक्शन अलग अलग है, तो अलग अलग रहेगा तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, मैंने बताया था डिफरेंशियल, अलग अलग करंट का डायरेक्शन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो डीसी जनरेटर है, या हम लोग कह सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम मशीन है वो इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, इंडक्शन के सिद्धांत पे। तो यहाँ पे इंडक्शन हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस सिद्धांत तो हम लोग जानते ही हैं कि इस सिद्धांत में क्या होता है कि चुंबक के बीच में हम लोग कॉइल को घुमाते हैं, या फिर कॉइल को स्थिर रखकर चुंबक को हम लोग घुमाते हैं, तो क्या होता है कि उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा होता है, ठीक है, और इस ईएमएफ का कारण करंट बनता है। तो हमारा जनरेटर कौन से सिद्धांत पे काम किया, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है, ठीक है। तो देखिए, बी जो है, बी होता है फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो तो हम लोग जानते ही हैं कि चुंबक जनरेटर के लिए चुंबक की आवश्यकता होता है, ठीक है, चुंबक, चुंबक के बीच में हम लोग कॉइल को घुमाते हैं, क्लियर है। तो चुंबक है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बनेगा, फ्लक्स बाय एरिया। बी का क्या होता है, बी का वैल्यू, बी का सॉरी बी का फॉर्मूला, बी इक्वल टू फाई बाई ए, ठीक है, फाई बाई ए। तो फ्लक्स बी, तो बी तो हमारे चारों ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद एल जो है वो कंडक्टर का लंबाई है, यानी कि जो यहाँ पे कंडक्टर यानी कॉइल को घुमाते हैं उसका लंबाई है, तो एल भी हमारे सारे ऑप्शन में है, ठीक है। और एक जो वी है वो वेलोसिटी है, यानी कि कंडक्टर को घुमाते हैं। मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया था कि दोनों में से एक को घुमाना आ सकते हैं, दोनों मतलब या फिर चुंबक को घुमाएंगे या फिर कंडक्टर को घुमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टर या चुंबक किसी घुमाया जा रहा है, उसके लिए वेलोसिटी वी क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में वी में वेलोसिटी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। तो होता है क्या है, हम लोग का उसके बाद क्या है कि हमारा एंगल बनता है, साइन एंगल लेते हैं, साइन एंगल थीटा बनना चाहिए किसके किसके बीच में, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में। यहाँ से जो ये फ्लक्स जाते हैं, ये फ्लक्स हो गए, लाइन्स जाते हैं, और कंडक्टर के बीच में साइन थीटा का एंगल लिया जाता है, क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी एल वी साइन थीटा और वोल्ट, वोल्ट लिया गया क्योंकि ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हम लोग फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल, कौन से रूल का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है, यहाँ जो ये पोर्शन दिख रहा है, जो फिगर में दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये जो ये हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, इसके ऊपरी भाग है, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाँ तो ये क्या है, सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है। तो इसी के अंदर हमारा क्या बोलते हैं, आर्मेचर, आर्मेचर ये सब सेट रहता है। तो ये जो ऊपरी भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ तो ये जो सबसे ऊपरी भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है योग, योग, योग या फ्रेम या बॉडी, ठीक है। तो ये योग, फ्रेम या हम लोग बॉडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से यदि किसी भी नाम से दिया गया ऑप्शन, तो हमारा सही आंसर, ऑप्शन सही आंसर वही ऑप्शन हो जाएगा, योग, फ्रेम और बॉडी, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार पोल, चार पोल यानी कि पी का वैल्यू कितना दिया गया है,
पी इज इक्वल टू 4। पोल की संख्या कितना दिया गया, 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग, लैप के लिए मैंने बताया था कि लैप में जो ए का वैल्यू होता है यानी कि करंट का जो पाथ होता है, रास्ता होता है, वो पोल के बराबर होता है। क्लियर है, पोल के बराबर होता है यानी कि ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, समानांतर रास्ता है। बट यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डुप्लेक्स वाइंडिंग यानी कि डबल वाइंडिंग है, तो एक बार सिंगल ईयर वाइंडिंग करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और डबल करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए, तो ये जो है, ये जो यहाँ पे भाग दिखाया गया है, ये देख रहे हैं हम लोग, इसको कहते हैं लैमिनेशन करना। ये क्या है, कोर लैमिनेशन है। लैमिनेशन में क्या होता है कि एक पत्ती लेते हैं, इसको इंसुलेट करते, वार्निश करते हैं, फिर नेक्स्ट पत्ती लेते हैं, फिर इसको थोड़ा इंसुलेट करते हैं, फिर नेक्स्ट पत्ती लेते हैं। ठीक है, तो ये कोर तैयार करते हैं इस प्रकार से, कोर वो, और किसका कोर यहाँ पे है, आर्मेचर कोर का लैमिनेट किया गया। ये लैमिनेट करते हैं हम लोग ईडी करंट, ईडी करंट से बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट हम लोग इस प्रकार से कोर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें ये ईडी करंट लॉस ज़्यादा होंगे, ये पूरे में बॉडी में करंट फ्लो करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लैमिनेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि हमारे करंट जाएंगे भी तो इस बॉडी तक जाएंगे, यहाँ से ये इंसुलेट रहते हैं तो आगे फ्लो नहीं कर पाएंगे ईडी करंट। ठीक है, जो यूजलेस करंट होता है जनरेटर के केस में, तो ये क्या है, आर्मेचर कोर लैमिनेशन। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि इंटरपोल होते क्या हैं। क्लियर है, तो पोल तो हम सारे लोग जानते हैं कि इस प्रकार से ऑपोजिट पोल रहते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, देन नॉर्थ पोल एंड देन साउथ पोल, इस प्रकार से पोल रहते हैं। क्लियर है, तो क्या होता है कि ये जो पोल्स होते हैं, मेन पोल होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये होते हैं मेन पोल। ठीक है, इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा पोल लगाते हैं, इंटर पोल यानी कि छोटा छोटा पोल लगाते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन से बचाता है इंटर पोल। तो इंटर पोल में जो वाइंडिंग होता है यानी कि तार का वाइंडिंग होता है, वो क्या होता है, आर्मेचर की सीरीज में जोड़ते हैं उसको। क्या जोड़ते हैं, यहाँ पर आर्मेचर रहता है, आर्मेचर वाइंडिंग रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं, आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं हम लोग किसको, इंटरपोल्स के वाइंडिंग को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वयं उत्तेजित यानी कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो जनरेटर में तो क्लियर है कि अवशिष्ट चुंबकत्व हो या फिर चुंबक हो, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग वोल्टेज के निर्माण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो वोल्टेज के निर्माण हम लोग क्लियर देख रहे हैं, जनरेटर है तो वोल्टेज बनाएगा, वोल्टेज बनाएगा, वोल्टेज बनेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, वो करंट देगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो क्लियर है कि जनरेटर हो या मोटर हो, ब्रश जो है वो कम्यूटेटर के सेगमेंट पे लगे रहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर के सेगमेंट पे लगे रहते हैं डीसी जनरेटर या डीसी मोटर के केस में। ठीक है, डीसी मशीन के केस में तो जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध है वो किसके बीच में नापेगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में रेजिस्टेंस नापेंगे। तो देखिए ब्रश और कम्यूटेटर का रेजिस्टेंस क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है, रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ, ठीक है, मैंने बताया था, बताया कि ब्रश
सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ब्रश और कॉमेटेटर, क्योंकि जो ब्रश है वो कॉमेटेटर के सेगमेंट पे लगे रहते हैं, तो इन दोनों के बीच के प्रतिरोध को मापते हैं। यानी कि इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, यहाँ देखिए एक्स किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे क्लियर है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, देखिए फाइनली वोल्टेज ड्रॉप करके यहाँ आ गया, क्लियर है, इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये वोल्टेज उसके पहले का स्टेज है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है वो किसके कारण हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो आर्मेचर रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि जनरेटर में जब कुछ देर वो फंक्शन करने के बाद, ईएमएफ बिल्डअप करने के बाद क्या होता है कि उसके जो कोर हैं वो भी तो चुंबक के बीच में घूमते हैं, तो कोर के अंदर भी करंट ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और करंट बहता है, उसके कारण फिर वहाँ भी फ्लक्स बनता है। तो दो दो फ्लक्स बन जाते हैं, दोनों फ्लक्स यानी कि मेन फ्लक्स जो मेन चुंबक के कारण होते हैं और आर्मेचर में जो फ्लक्स बनते हैं वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है, इसके कारण वोल्टेज का बनना कम होने लगता है। तो वही होता है आर्मेचर रिएक्शन। तो ये जो वोल्टेज दिखाया गया है वो आर्मेचर रिएक्शन के ड्रॉप के कारण दिखाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, क्लियर है। तो बताया गया था कि जिसमें क्या है, कंपाउंड नाम यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कंपाउंड में तो देखिए चारों ऑप्शन में कंपाउंड है, तो कंपाउंड में तो बताया गया था कि दोनों वाइंडिंग रहते हैं, सीरीज वाइंडिंग भी रहते हैं और शंट वाइंडिंग भी रहते हैं, क्लियर है। तो क्लियर है कि दोनों वाइंडिंग रहेंगे, बट यहाँ पे केवल बोला है कि यदि ये आर्मेचर वाइंडिंग है, यदि ये हम लोग का आर्मेचर है, क्लियर है, और इसके समानांतर में यानी कि पैरेलल में, शंट वाइंडिंग क्या होता है, पतले तार और लंबे टर्न्स का वाइंडिंग होता है, क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार यदि रहता है तो वो हम लोग का क्या कहलाता है, वो हम लोग का कहलाता है शॉर्ट शंट, क्या कहलाता है, शॉर्ट शंट, क्योंकि इसके इधर में हमारा सीरीज रहेगा, क्लियर, सीरीज वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न्स के रहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट शंट, ठीक है। और वही क्या होता है कि आर्मेचर रहता और यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग रहते, फिर हम लोग करते तो वो जाता लॉन्ग शंट, क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, क्लियर है। तो ये आज का था 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन लाऊंगी, लेकिन इसको सारे को समझकर और आप लोग ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।